press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, क्योंकि आजकल जीएसटी के नाम पे बहुत लूटा जा रहा है। जो कॉमन लोग हैं जो जीएसटी के बारे में इतना नहीं जानते, उनको जीएसटी के नाम पे बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। क्योंकि आप कोई भी दुकान पे चले जाइए, वो कहेगा जीएसटी के कारण मेरा माल महंगा हो गया, इसलिए मैं महंगा बेच रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप इन फ्रॉडस्टर से कैसे बच सकते हैं, कि इनके धोखेबाजी से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला रूल, जब भी कोई आपसे कहे कि मैं पर्टिकुलर आइटम पे आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो वो बिल पे सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए की आइटम पे 18 रुपए जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो वो 18 रुपए सेपरेटली बिल पे जीएसटी पे मेंशन होने चाहिए। दूसरा रूल, वेंडर जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। इफ वो रजिस्टर है तो उसे अपने बिल पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। इफ ऐसा वो नहीं करता तो आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि क्या वेंडर ने अपना जीएसटीएन नंबर डाला हुआ है बिल पे या नहीं। और इफ जीएसटीएन नंबर मेंशन है, तो आपका राइट है कि वो चेक करना कि जीएसटी नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एक 15 डिजिट का फॉर्मेट है जीएसटी का। तो पहले दो होंगे आपके स्टेट कोड, उसके बाद अगले 10 होंगे आपके पैन नंबर, और आखिर के 3 कुछ अल्फानुमेरिक डिजिट्स होंगी। तो ये एक बेसिक चेक आपने मारना है। स्टिल अगर आपको उस पर डाउट होता है कि क्या ये जीएसटी नंबर सही है या नहीं, तो आपको विजिट करनी होगी एक वेबसाइट। आपको जाना होगा service.gst.gov.in/services/search-tp, और वहां पे आप ये डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इन सब बेसिक चेक्स के बाद ही आप इंश्योर करें कि हाँ, कि मैं जीएसटी पे करने के लिए लायबल हूँ। और ये धोखाधड़ी रेस्टोरेंट्स में बहुत पाई जा रही है। पहले तो मैं आपको रेस्टोरेंट्स में क्या रेट से जीएसटी चार्ज होना है वो भी बता दूं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दो रेट हैं, 12% और 18%। अगर आपका रेस्टोरेंट नॉन एसी है और अल्कोहल सर्व नहीं करता, तो उस पे 12% जीएसटी ही लगेगा। और अगर आपका रेस्टोरेंट ए कंडीशन्ड है या वो अल्कोहल सर्व करता है, तो 18% जीएसटी लगेगा। तो इस कंफ्यूजन को भी ध्यान में रखना और अपना बिल जरूर चेक करना, अगर आप नॉन एसी और नॉन अल्कोहलिक रेस्टोरेंट पे 18% जीएसटी पे तो नहीं कर रहे कहीं। क्योंकि जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं ना, ये सब रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट वाले बहुत बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो मेरे पास एक सैंपल बिल है जो आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा और नेट पे भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है। तो इस पे आप देखेंगे इन्होंने 18% जीएसटी लगा रखा है, जिसमें 9% SGST शामिल है और 9% CGST, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। क्योंकि एक स्टेट का माल अगर एक स्टेट में बिकेगा, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, SGST और CGST, दोनों को मिला के 18% GST बनेगा। अगर आपका सप्लाई इंटर स्टेट है, तो एक ही कंपोनेंट होगा, वो होगा IGST, वो 18% ही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कहीं भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा। इट मीन्स वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और ये टैक्स इनवॉइस नहीं है। तो ऐसे किसी भी बिल पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रेस्टोरेंट ओनर आपसे चार्ज कर रहा है ये कंपोनेंट, तो प्लीज ना दे और उसकी कंप्लेंट कीजिए। आपको कंप्लेंट करने या तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या आपको helpdesk@gst.gov.in पे भी आपको कंप्लेंट करने का राइट है। और इनका फोन नंबर है हेल्पलाइन, जो मैं आपको दे दूंगा, आप उस पे भी कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या रूल फॉलो करना है, पॉज चेक एंड पे, मतलब पे करने से पहले हमेशा बिल को चेक करिए। और अगर आपको कोई डाउट्स हो इसको लेके, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं उनकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि कैसे वो फ्रॉड के विक्टिम बन रहे हैं और कैसे वो बच सकते हैं इस फ्रॉड से। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।